महेंद्र सिंह धोनी के सीएसके ने जब पांचवी बार आईपीएल की ट्रॉफी उठाई तो पूरा देश जो है वो धोनी के रंग में रंग गया। मतलब हार्दिक पांड्या से लेकर देश विदेश में जितने क्रिकेट से जुड़े लोग थे सब धोनी को बधाई दे रहे हैं, बधाइयों का तांता लगा हुआ है, एक से बढ़कर एक बधाई आ रही। लेकिन इसमें से एक बधाई ऐसी आई जिसने एक तीर से दो निशाना लगा दिया, और यह बधाई थी लखनऊ सुपर जायंट के मेंटोर गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर जिन्होंने इस पूरे सीजन में अपनी टीम को सुर्खियों में रखा, क्रिकेट से ज्यादा सुर्खियां उनकी टीम के विराट कोहली की टीम से पंगों को लेकर थी, और जिस तरह से आरसीबी बाहर हुई तब बदमाशी हुई, छेड़खानी हुई, एक दूसरे को टॉन्ट मारे गए, उसके बाद लखनऊ जब बाहर हुई तब छेड़खानी हुई, टॉन्ट मारे गए, विराट कोहली का स्कोर कार्ड दिखाया गया कि 101 उन्होंने मारा था, आप 101 पे ऑल आउट हो गए, वो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सीएसके की जीत के बाद गौतम गंभीर ने धोनी को बधाई देते हुए जो लिखा वो अब सुर्खियों में है, क्योंकि गौतम ने लिखा, कांग्रेचुलेशन सीएसके, एक टाइटल जीतना मुश्किल होता है, आपने तो 5-5 जीत लिए। अब गौतम गंभीर बिटवीन द लाइंस जिस महीनता से खेलकर चले गए हैं उन्होंने तो माचिस लगा दी, और इस माचिस का असर यह है कि अब सोशल मीडिया पर इसकी आग धधक रही है। मतलब कई सारे लोग ऐसे जिन्होंने लिखा कि हाँ गौतम भाई बढ़िया खेल रहे हो आप, मतलब अभी से तैयारी कर लेते हैं अगले साल लफड़ा करने, क्योंकि लफड़ा तो हुआ था, पूरे सीजन लफड़ा देखने को मिला जो गौतम गंभीर यहां दिखा रहे हैं, और ये लफड़ा पूरे सीजन था। मतलब आप याद कीजिए कि आवेश खान ने हराने के बाद हेलमेट पकड़ा पटका था, रवि विश्नोई कूद कर बैठ गए थे, उसके बाद अमित मिश्रा नवीन उलहक से पंगा हो गया, वो तो ज्यादा ही लंबा खिंच गया, गौतम गंभीर आए सामने से आंख में आंख मिलाकर लड़ाई की, मेरी फैमिली मेरा फैमिली, उसके बाद इंस्टाग्राम पर वॉर गया जहां नवीन गोट 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 कर रहे थे गंभीर को, गंभीर ने भी उनसे कहा जैसे हो वैसे रहना। इसके बाद विराट कोहली की टीम ने लखनऊ को लेकर जिस तरह से हराते वक्त एक्सप्रेशन दिए थे वो भयंकर वायरल हुए थे कि यार विराट ने ये वाला खूब चला। ये सब खत्म हुआ तो उसके बाद सोशल मीडिया पर एक दूसरे के मैचेस में दूसरी टीम को सपोर्ट करना, जैसे विराट कोहली ने किया था गुजरात को जब उन्होंने रिद्धमान साहा और राशिद को लेकर स्टोरी लगाई थी, फिर वही काम नवीन उलहक ने किया मैंगोस को लेकर, स्वीट मैंगो, ये सब कांड चलता रहा, स्वीट मैंगो के बाद वेरी स्वीट मैंगो, फिर जब नवीन की टीम हारी तो आखिरी दिन नवीन की लोगों ने ले ली थी अफगानिस्तान जाने के पहले, इतना बवाल काटा था कि मतलब नवीन क्या ही बोलते, चारों तरफ आम ही आम थे, पूरा आम का सीजन जो था वो दिखाई पड़ गया सोशल मीडिया पर। लेकिन अब जो गंभीर ने किया है वो कांड कर रहा है, और ये कांड और इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि मोहम्मद कैफ ने भी इसमें कांड कर दिया है। मोहम्मद कैफ ने भी एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि यार जो इंडिविजुअल लोग होते हैं वो रिकॉर्ड बनाते हैं और जो लेजेंड होते हैं वो हिस्ट्री बनाते हैं। अब रिकॉर्ड, इंडिविजुअल और लेजेंड, हिस्ट्री, बड़ा सीधा सा कंपैरिजन था और लोगों ने इस पे भी मजे काटे। मतलब लोगों ने कहा कि भाई विराट कोहली से ऐसा क्या पंगा, इतना भी क्या है कि मतलब आप लोग एक दूसरे का पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो यार। और सबसे ज्यादा तो लोगों का कैफ पे निकला कि भाई गौतम गंभीर का तो हमको समझ में आता है कि मतलब उनके साथ कांड हुआ था, हम लोगों ने भी किया था, आरसीबी वालों ने उनके लिए, उन्होंने हमारे लिए, अब उनको मिला तो बिटवीन द लाइन वो खेल गए, लेकिन कैफ भाई आपसे क्या पंगा है, आप तो मतलब आपको तो हम साधु समझते थे। बहुत सारे आरसीबी के फैंस जो है वो मोहम्मद कैफ की प्रोफाइल में जा रहे हैं कि यार ये इंडिविजुअल, ये हिस्ट्री, लेजेंड, ये सब क्या जरूरत था। हालांकि दोनों खिलाड़ियों ने किसी का नाम नहीं लिखा है, विराट का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन विराट के इर्द-गिर्द चर्चा जो है आरसीबी विराट के इर्द-गिर्द चलने लगी। और गौतम गंभीर कहे तो समझ में इसलिए भी आता है क्योंकि गंभीर ने दो सीजन 2012-2014 अपनी टीम को चैंपियन बनाया है, तो वो जब ये टॉन्ट मारते हैं कि एक सीजन ट्रॉफी जीतना मुश्किल होता है तो समझ में आता है। हालांकि ये समझ में उसी दिन आ गया था जिस दिन लखनऊ वाला मैच था, 101 रन पर मुंबई के सामने ऑल आउट हो गए थे, और उस दिन आरसीबी वालों ने बहुत मीम्स बनाए थे। मतलब मुझे याद है मैंगो, स्वीट मैंगो भर गया था, स्विगी से लेकर जोमैटो भर गया था, और नवीन को ठोकते ठोकते ये तस्वीर जो है गंभीर की भी लगा रहे थे। साथ में जो कंपैरिजन हो रहा था कि 101 रन विराट ने उसके पहले मैच बनाए थे और यहां पूरी टीम 101 पे ऑल आउट हो गई, वो बहुत ही इनके लिए परेशान वाला था। लेकिन अब मोहम्मद कैफ का और गौतम गंभीर का ट्वीट जो है वो वायरल है, और इसी वजह से सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार आ गई है, रिएक्शंस की बौछार आ गई है, तो हमको लगा कुछ रिएक्शन मीम्स जो है हम आपको दिखाते हैं। हालांकि आरसीबी वालों ने भी काउंटर किया है, लेकिन पहले गंभीर भाई का रिएक्शन बताते हैं। अब देखिए पहला कॉमेंट जो है वो एक स्किन डॉक्टर करके उन्होंने लिखा कि यार कोई नहीं गंभीर भाई, आप मार लो टॉन्ट, अगले साल बात करेंगे, अगले साल तो पक्का ही कप नाम दे। तो ये एक बहुत भयंकर वायरल हुआ है। एक वो विराट कोहली की तस्वीर है कि यार हमको क्यों तोड़ा, एक है एक तीर से दो निशाने, मतलब हाँ एक तीर से दो ही निशाना है, गौतम गंभीर ने तारीफ भी कर दी और गौतम गंभीर ने आरसीबी को टॉन्ट भी मार दिया। एक बढ़िया था यार जो हमको सबसे अच्छा लगा कि यार
आओ गौतम भाई अगले साल लफड़े की तैयारी करें। हमको लगा हाँ यार सही बात है ये, तो ये पक्का सही वाला कि लफड़े की तैयारी जो है वो अगले साल की इन्होंने शुरू कर दी है। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्वीट है जिसमें एक में था कि यार मतलब हमको क्यों घसीट रहे हो। एक वो गुड्डू भैया की तस्वीर लगा दी है पराग ने कि यार जिंदगी हो तो ऐसी तो ऐसे बहुतेरे मीम। हालांकि आरसीबी वाले भी काउंटर कर रहे हैं, विराट कोहली की तमाम जो ट्रॉफीज है, प्लेयर ऑफ द डेकेड अवार्ड, ये तमाम चीजें जो हैं वो डाल के लिख रहे हैं, ट्रॉफी पर ट्रॉफी दिखाई जा रही है। हालांकि गौतम गंभीर की भी अपनी एक फैन बेस है, उनका भी अपना एक रिकॉर्ड रहा है क्योंकि 2007 वर्ल्ड कप जीते हैं, एशिया कप जीते हैं, 2011 वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके बाद 12-14 में आईपीएल जीते हैं। तो गंभीर के नाम जो वो बुजुर्गों वाली लीग होती है उसको भी 2022 में जीते हैं, तो काफी कुछ उन्होंने किया है। लेकिन विराट और डिविलियर्स की भी कई सारी तस्वीर जो है वो भी साझा कर दी, और धोनी के साथ भी एक तस्वीर डाली गई जिसमें लिखा गया कि यार हम आपस में मस्ती कर रहे हैं क्योंकि धोनी और गंभीर ने काफी मैचेस साथ में खेले हैं और उनका भी अपना एक ऑरा रहा है। एक मीम जो है वो शिखर धवन को लेके भी वायरल हो गया कि भाई वो तुझे कह रहा है, तो शिखर धवन कह रहे नहीं नहीं भाई वो तुझे कह रहा है। लेकिन आसान शब्दों में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इन दोनों टीमों के बीच में हमेशा विवाद रहा, और ये जितने भी मीम्स हम आपको दिखा रहे हैं ये मुझे तो हैरान नहीं करते हैं क्योंकि ये अंदाजा था कि कहीं ना कहीं ये निकलेगा, मतलब ये गायब नहीं होने वाला, ये इन दोनों का विवाद जो है वो रहेगा। और नेक्स्ट ईयर जब आएंगे तो नेक्स्ट ईयर कप नामदे ये चलेगा, गौतम गंभीर और विराट के बीच का ये तुलना होगी। और गौतम गंभीर को हमने देखा भी है, वो कई बार आरसीबी के प्लेयर्स को ट्रोल कर देते हैं, जैसे मुझे याद एक इंसिडेंट की एक बार इरफान पठान ने शायद पूछा था कि एबी डिविलियर्स बेहतर है या सुरेश रैना, तो गौतम गंभीर ने कहा था कि मेरे लिए इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मेरी नजर में सुरेश रैना बेहतर है। तो लोगों ने कहा क्यों बेहतर है, डिविलियर्स इतने मारे, तो उन्होंने कहा कि यार डिविलियर्स खेलते हैं चिन्ना स्वामी में जो बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग है, वहां पर हर बैट्समैन का रिकॉर्ड अच्छा है, जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है उसको एज अ बैट्समैन सोचने की जरूरत है। लेकिन सुरेश रैना जब खेलते थे वो चिपॉक की टफ कंडीशंस में खेलते थे जहां पर स्पिन ट्रैक होता था, और वहां पर इतने ज्यादा रन बनाना, इतनी स्पीड से बनाना ये सबके बस का नहीं है, तो उनका रन बनाना ही वजह है कि चेन्नई सुपर किंग इतने सारे सीजन ट्रॉफी जीती है जबकि डिविलियर्स की टीम जो है वो एक बार ट्रॉफी नहीं जीती है। तो आप कितने भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बना लें, आप ट्रॉफी नहीं जीत रहे तो आप पर सवाल खड़े होंगे। और ये भी काफी बयान जो है ये चर्चा में रहा था कि यार कैसे उन्होंने डिविलियर्स पर निशाना उस दौर में साधा था, और ये विवाद अभी और भी चलेगा। इस पोस्ट पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गंभीर और विराट कंपैरिजन डाला कि गंभीर ने ये किया तो विराट ने ये किया, लेकिन गंभीर जब ट्रॉफी दिखा रहे तो विराट क्यों नहीं दिखा पा रहे। हालांकि विराट और गंभीर दोनों अपने अपने तरीके से महान खिलाड़ी हैं, विराट कोहली की परफॉर्मेंस जो है वो सदियों में एक होती है, मतलब जिस लेवल के वो खिलाड़ी हैं, जिस तरह का उन्होंने टीम इंडिया को सर्विस दी है या आरसीबी को भी फॉर एग्जांपल सर्विस दी है, 973 रन 2016 में उन्होंने बना दिए थे जो अनमैचेबल है, 4 शतक ठोक दिए थे, अभी भी वो हाईएस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि विराट कोहली के नाम ट्रॉफी नहीं है, अंडर 19 जीतने के बाद कोई ट्रॉफी वैसी जीते नहीं, और इस वजह से उनके साथ ये है। गंभीर के साथ एडवांटेज ये है कि गंभीर का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस शायद बहुत अच्छा ना हो लेकिन ट्रॉफी के तौर पर बहुत सारी ट्रॉफियां जो हैं वो टीम ट्रॉफी है और जो याद रहती है, तो इस वजह से हो रहा है। हालांकि कई सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि यार गंभीर का शायद ये मतलब नहीं रहा होगा, लोगों ने इसे मतलब बना दिया, लेकिन गौतम गंभीर का जो पूरा कॉमेंट सेक्शन वो इन्हीं से भरा पड़ा है। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि यार गंभीर को क्या रहे पसंद करते थे लेकिन लखनऊ की टीम जो है वो अपने क्रिकेटिंग स्पिरिट से ज्यादा सोशल मीडिया स्पिरिट और टॉन्टिंग स्पिरिट की ज्यादा जाने आती है। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि भाई इस ट्वीट के मायने आप क्या निकालते हैं, ये गौतम गंभीर ने जानबूझकर किया अनजाने में हुआ, हालांकि मोहम्मद कैफ ने भी किया है, तो दो दो इत्तफाक हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता इत्तफाक हो सकते, मुझे लगता है ये बिटवीन द लाइंस महीनता से खेल दिया गया है और अब लोग मजे काट रहे हैं।